ये चाइना के ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उनको पहनना पड़ जाएंगे। Hey guys, it's very good morning from Ubud and we are staying at Akarma Dijwa Forest Resort. और ये जो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये है, दिन में कुछ ऐसी लगती है, बहुत ही प्यारी। यहाँ पे पूरा पूल वूल सब है। यहाँ पे वी हैड डिनर लास्ट नाइट। बस हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं पहले तो ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम जाएंगे, हमारा आज हेवन गेट्स है, बहुत आइकॉनिक जगह है वो बाली की, हेवन गेट्स, देन हेड टू तीर्थगंगा। और ये बस आज दो ही स्पॉट्स हैं, पर ये बहुत दूर दूर हैं और यहाँ के नैरो रोड्स हैं, तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसा कि मैंने बताया था, वैसे बहुत टाइम लगता है। तो हाँ, आज इन दो स्पॉट्स को कवर करने में पूरा दिन हो जाएगा। चलो, एंड दिस इज आवर OOTD। मस्त लग रही है, सुंदर। चलो आ जाओ, मैं तेरे वहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर देता हूँ, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है वहाँ पे गेट के, वहाँ पे आ जाएगा, आ रहा हूँ मैं। ओके, सो फोटोशूट बढ़िया हो गया है, अब हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए। ये एक और पूल है यहाँ पे, ये वो कॉमन पूल है, इट्स अ गुड प्लेस टू रिलैक्स। यहाँ पे अच्छा है, इन्फिनिटी पूल है और एक अच्छा फोटो आएगा उधर के लिए। ऐसे रोज सुबह की शुरुआत ऐसे भगवान को भोग चढ़ाकर होती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ फूल के साथ खाने का भी रखते हैं और एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं इससे। ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, अभी हम यहाँ से बस बाहर ही जा रहे हैं, ये अंदर प्रॉपर्टी का ही पैसेज है और इधर रेस्टोरेंट है, साइड में स्पा है, बार है, बहुत ज़्यादा ही पूरा ट्रीज और प्लांट बुशेज इन सबसे कवर्ड है, वो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी हल्का सा कम है। ब्रेकफास्ट में हमारा आ चुका है, ये मशरूम सैलेड, ये बनाना पुडिंग है, ये रेड ड्रैगन पुडिंग है, ये ब्रेड और उसके साथ जैम एंड सॉसेस। Yeah, I know that, yeah. But the property was very good and so we were enjoying that. Yeah, okay. So it took much time and then we had breakfast, so it took another 1 hour. Yeah, no problem. So that's why we are very sorry for that, but... Yeah, it's okay. Okay. So photos or breakfast cutting ke chakkar mein hum lagbhag 2 ghante late hain. हमको 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया था और अभी बज रहे हैं 11, और इसलिए आज बस दो ही पॉइंट है, देखते हैं दूसरा पॉइंट भी हम कवर पर कर पाते कि नहीं। सो आफ्टर 3 hours ऑफ ड्राइव वी आर हियर एट तीर्थगंगा। यहाँ पे सब ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि एक पत्थर के ब्लॉक्स है सब, और इस पर सब फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, और पीछे इसका टॉम का व्यू आता है। एक गलत कदम आगे पीछे रख दिया तो डायरेक्ट पानी में जाएंगे, हालांकि पानी इतना गहरा नहीं है, पर पोपट हो सकती है और गिर सकते लग सकती है। सो ये एक अच्छी इंस्टाग्रामेबल जगह है और यहाँ पे अच्छे फोटोज़ बहुत अच्छा आ रहे, बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए ये
ऐसे गेट्स पूरे बाली में हैं जगह जगह, यहाँ पे कहीं मतलब कोई से भी एंट्रेंस हो तो ऐसे गेट का यूज़ करते हैं, ये पहचान है यहाँ की बाली की। और अभी हम इसके बाद जहाँ जा रहे हैं वो उसका नाम है हेवन गेट्स, वहाँ पे भी ऐसे बहुत ऊँचे, मतलब ये तो बहुत छोटे हैं, वहाँ पे उससे बहुत ऊँचे गेट्स हैं। आगुन और यहाँ पे है हेवन गेट्स और लेम्पियांग टेम्पल। सो लेम्पियांग टेम्पल में ही हेवन गेट्स है और बहुत आइकॉनिक और पिक्चरिस्टिक जगह है ये माउंट आगुन भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, अभी जीवा भैया ने बताया। और यहाँ से ऊपर जाने का तरीका है ये बस, मिनी शटल बसेस है ये जो यहाँ से ऊपर इस माउंटेन के टॉप पे ले जाती है। ही मुझे भी बताया कि लास्ट ईयर ही यहाँ पे इट वाज अबाउट टू इरप्ट। पहले मुझे लगा कि पूरी सवारी बिठाएगा ये, पूरी बस भरेगा फिर जाके चालू करेगा ऊपर ले जाएगा, पर यहाँ पे तो बहुत कम जने ही बैठे, बस हम दो पीछे बैठे हैं, वो बहुत जगह खाली है और फिर भी ऊपर ले जा रहा है, तो इनको इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो अपने यहाँ तो पहले पूरी बस भराएगी, सवारी बैठाएगी, भले ही तुमको एक घंटे दो घंटे कितने भी हो जाए बैठे बैठे, और पूरी पैक होनी चाहिए फिर ऊपर जाएगी। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, ऐसे दिख नहीं रही है पर बहुत ज़्यादा खड़ी है। ओके भैया, आ गए हम लेम्पियांग टेम्पल एंड हेवन गेट्स। हो बहुत ही सुंदर जगह है, और यहाँ पे है ये सामने हेवन गेट, ये सब वेट कर रहे हैं इनका भी ऐसा फ़ोटो आने के लिए। है दिस गाय, ये नंबर कॉल आउट करता है और सबको ऐसा टोकन नंबर दिया गया है, हमारा 539 है, और जिसका जो नंबर आएगा वो वहाँ जाएगा, वो फ़ोटो खिंचवा देगा, अपना कैमरा उसको देना पड़ता है। जब हमारा ये नंबर कॉल आउट होगा तो हमको जाना है, फ़ोन देना है और हमारा फ़ोटो वो बंदा ले लेगा, तो ऐसा वो रिफ्लेक्शन में एक फ़ोटो लेता है जिसमें नीचे ऐसा लगता है कि पानी है, हालांकि वहाँ पानी है, और ऐसा लगता है कि नीचे पानी है। और ये जो गेट है इसको हेवन गेट बोलते हैं। सो ये टेम्पल है, इसका नाम है लेम्पियांग टेम्पल, और ये वन ऑफ द मतलब बाली में 6 मेन टेम्पल है जिसमें से एक ये है, यहाँ के जो राजा है उनका यहाँ पे घर भी हुआ करता था बहुत सालों पहले। 425 426 426 यहाँ सब लोग इस जो यहाँ की ट्रेडिशन ड्रेस है उसमें दिख रहे हैं, और आप एक बार में कितने भी फोटो खिंचवा सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, कपल भी ले सकते हो, वो बस आपके फ़ोटो फटाफट धड़ाधड़ लेते जाएगा। मस्त जगह है एक नंबर, पूरा पीछे माउंट आयुन का व्यू भी है, उधर सामने माउंट बटूर है, और ये दो सबसे हाईएस्ट पीक है बाली की। सो इफ़ यू कैन सी देयर इज़ माउंट आगुन, और वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, ऐसा शेप आपको इसमें दिख रहा होगा, वो सन पीछे इसलिए क्लियर शॉट नहीं आ रहा होगा, एकदम हेवन गेट के सेंटर में वहाँ पर आ रहा है उसका क्रेटर। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 3 आवर्स लॉन्ग हमको हमारा फ़ोटो मिल गया, बहुत ही प्यारे शॉट्स आए, उसको मैं डायरेक्टली इंस्टा पे पोस्ट करूँगा, और मतलब इट वॉज वर्थ वेटिंग। रिफ्लेक्शन वाला जो सीन होता है वो इधर ही होता है और यहाँ पे बाली में कहीं नहीं होता, यहाँ का आइकॉनिक फोटो। अभी भी लोगों के फ़ोटो वहाँ पे क्लिक हो ही रहे हैं, बहुत सारे वेट कर रहे हैं। एक चीज़ का मजाल रहेगा कि पीछे बादल आ गए हैं, तो जो पीछे माउंट आयुंग का जो पीक था वो उससे ढक गया है, तो वो हमारा रह गया, पर ठीक है, जो फ़ोटो आए वो भी बहुत अच्छे हैं। और अब यहाँ पे लाइट भी हो गई, लाइट भी जल गई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, अभी यहाँ बज रही है 6:30 इस वक्त, और बस हम अब जल्दी से नीचे जाते हैं, फिर हमको आज रात को वापस निकलना है क्योंकि हमको ट्रैक करना है माउंट बटूर का। जी हाँ, आपने सही सुना,
ज्यादा हो रहा है। तो रात में कुछ ऐसा नजारा दिखता है यहाँ पे, लाइट वाइट जल गई है, ड्रैगन से इनके मुंह में भी रेड लाइट लगाई हुई है।